नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान की जिस प्रकार से दशा, मैं दशा ना कहूँ तो अच्छा होगा, दुर्दशा हुई है संसार में, और मोदी जी के बैठने के बाद वो डाउन 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 और डाउनग्रेड होते चले गए हैं। ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ कि ट्रंप सरकार के दौरान उनकी रसद रोक दी गई, मुस्लिम जगत में उनकी बड़ी सारी इंसल्ट हो गई, और जिनको वो ऑल टाइम फ्रेंड कहते हैं उन कंट्रियों ने भी उनकी खासी इंसल्ट की है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी की। जरा समझने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो आज हिंदुस्तान का वो क्षेत्र जो आज पाकिस्तान के पास है, मतलब पाकिस्तान के रूप में बन चुका है, वहाँ पर आम के बागान बहुत पहले से पंजाब सरकारों ने, और कराची में चूँकि हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करते थे, इसमें आम की अच्छी खासी फसल होती थी। आज भी पाकिस्तान में वो आम की फसल कंटिन्यू है। आम की फसल जो वहाँ पर होती है उससे वो पूरे विश्व को, पाकिस्तान के पास कुछ देने को तो है नहीं इस समय, पाकिस्तान किसी की मदद भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान केवल ले सकता है संसार भर से, लेकिन अब उसके दरवाजे वो भी बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मिले मांगे मिले न भीख, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। इसलिए अब पाकिस्तान अगर किसी को कुछ देता भी है तो फिर वो कंट्री के दिमाग में बिल्कुल 100% ये बात जाती ही होगी कि आखिर इसके बाद मांगेगा क्या। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भिखारी अगर आया है, जो जीवन भर भिखारी रहा हो और जिसने टेररिज्म की खेती की हो, जिसकी नीयत कभी ठीक न रही हो, जो अपने पूर्वजों के नहीं हुए हों, पूर्वजों से मतलब मेरा यह है कि जो उन राम और कृष्ण के वंशज हिंदू जाति के लोग, उनके वो नहीं हुए, अपने पूर्वजों के वंशजों के नहीं हुए, तो वो किसके हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। इसीलिए मुस्लिम जगत भी उनको सिरे से नकारता है, और बाकी के जो पाकिस्तान आवश्यकता के रूप में डेवलप हुआ था कभी, वो आवश्यकता भी अब कंट्रियों की समाप्त तो हो चुकी है। इसलिए अगर पाकिस्तान कुछ भेजता है तो किस मुंह से, या सब कंट्रियों के दिमाग में ये रहता ही होगा कि अगर इसने भेजा है कुछ और हमने ले लिया है तो कहीं ना कहीं से अपने को उनको अबलाइज करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझना ही पड़ेगा, और पाकिस्तान को कोई चवन्नी देना नहीं चाहता तो समझेगा क्या, क्या है ये सारा मंशा और क्या है ये सारा माजरा, पाकिस्तान के डिप्लोमेसी को कैसे समझते थे। जिस समय हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, और हिंदुस्तान केवल स्वतंत्र नहीं हुआ, फिर से मैं बारंबार कहता आया हूँ कि केवल हिंदुस्तान स्वतंत्र नहीं हुआ, ये यूएनओ की पॉलिसी के तहत जो इंपीरियलिज्म है उसको ख़त्म किया गया था। उस इंपीरियलिज्म में लगभग 70 कंट्री कुछ ब्रिटेन के कब्जे में थे, कुछ फ्रांस के कब्जे में थे, इटली के कब्जे में थे, या फिर मैं कहूँ डेनमार्क के कब्जे में, वो हॉलैंड के कब्जे में थे, ऐसे कई कंट्रियों की कॉलोनियाँ जर्मनी सहित पूरे विश्व में बनी हुई थी। इन कॉलोनियों, जब कॉलोनिज्म ख़त्म नहीं होगा, यूएस की एक के पहली कंडीशन थी, रशिया की पहली कंडीशन थी कि अगर कॉलोनिज्म ख़त्म नहीं होगा तो फिर कभी भी ये विश्व युद्ध ख़त्म नहीं हो सकता। अब ब्रिटेन को या यूरोप के कंट्रियों को कॉलोनिज्म ख़त्म करना उनकी मजबूरी थी, और स्टालिन भारत को लेकर बड़े कंसर्न थे। स्टालिन अड़ गए थे इस बात को लेकर कि अगर भारत को तुरंत मुक्त ना किया गया और आप केवल बात करते रहे तो फिर ये कभी भी यूएनओ का सपना पूरा नहीं हो सकता। नतीजा निकला कि भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। अब भारत को स्वतंत्र करते समय ब्रिटेन के दिमाग में 100% ये बात रही होगी कि भारत में कैसे पुनः एंट्री मारी जाए, इसलिए वो टू नेशन थ्योरी लेकर आए, और उनके दो चमचे, जिनमें एक नेहरू और दूसरा जिना, इन दोनों चमचों को तैयार किया गया होगा। और कैसे टू नेशन थ्योरी भारत में आई, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास किया, और उसमें उसने दो राष्ट्रों की थ्योरी दी, दो नेशंस की, दो डोमिनियन की थ्योरी दी। उस समय वो थ्योरी जो है वो राष्ट्र की थ्योरी नहीं थी, वो डोमिनियन की थ्योरी थी, यानी कि ब्रिटेन ने हमको कभी स्वतंत्र नहीं किया, हमको डोमिनियन बनाकर छोड़ा था। लेकिन यूएनओ का जब निर्माण हुआ, यूएन चार्टर जब बना और उसका इंप्लीमेंटेशन, उसमें यह कहा गया सभी राष्ट्र स्वतंत्र होंगे और किसी भी राष्ट्र में किसी दूसरे राष्ट्र को इंटरवेंशन का राइट नहीं होगा। जो कुछ समय लगना है उस समय में वो सत्ता ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। टू नेशन थ्योरी में पाकिस्तान बना ही इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो अपनी मंशाओं को पूरा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में भविष्य में जब तक नेहरू हैं तब तक मंशाएँ पूरी हो सकती हैं, लेकिन भविष्य में नहीं हो सकती। यानी कि हिंदुस्तान के उस पोर्शन में
जिस पोर्शन जिसको आप गिलगित बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का पोर्शन महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेजों ने लीज पर ले रखा था। कारण क्या था? क्योंकि उस पोर्शन से पूरे एशिया पर नज़र रखी जा सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान से चीन पर नज़र रखी जा सकती है, रशिया पर नज़र रखी जा सकती है, उससे अफगानिस्तान पर, ईरान पर, इराक पर और हिंदुस्तान पर, इन सभी जगहों पर गिलगित और बाल्टिस्तान से नज़र रखी जा सकती है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड का स्थान भी बनता है, मिनरल रिच तो है ही, इसलिए वो पोर्शन हिंदुकुश पर्वत का, वो पोर्शन कैसे अलग या तो बफर स्टेट रहे या पाकिस्तान के पास एटलीस्ट चला जाए, बफर स्टेट रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन कर दिया। अब वो हिस्सा जहां जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा अंग्रेजों ने लीज पर ले रखा था, वो अगर भारत के साथ रहेगा तो अंग्रेजों की मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। अब पाकिस्तान जब बना तो ये नीड थी, ये आवश्यकता थी उस समय की, और उस आवश्यकता को पूर्ण केवल पाकिस्तान कर सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक नेहरू हैं तब तक कर सकते थे, लेकिन पटेल के रहते हो नहीं सकता था। और हिंदुस्तान की ब्रीड दूसरे टाइप की है, हिंदुओं की प्रजाति दूसरे प्रकार की है, इसलिए वो कभी ना कभी ये बात समझ ही जाने वाले थे और कब तक चमचे नेहरू जैसे तैयार हो सकते थे, इसलिए पाकिस्तान उनकी समय की आवश्यकता थी। पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने इराक वॉर किया, पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान वॉर किया, और पाकिस्तान के थ्रू ही अमेरिका ने पूरे एशिया पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बनाकर रखा। रशिया को काउंटर भी पाकिस्तान की लैंड से ही किया गया। क्यों? क्योंकि रशिया को काउंटर करना अति आवश्यक था और वहाँ पर एक्टिविटीज़ यूएसएसआर में चलानी ज़रूरी थी, अफगानिस्तान से भी रशिया को हटाना जरूरी था। इन सभी मामलों में इराक, ईरान सहित पाकिस्तान एक बड़े सहयोगी के रूप में, या पाकिस्तान की लैंड का इस्तेमाल करना उनका वो करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी बनी रही। लेकिन सिनेरियो जैसे बदला 2014 के बाद, राइट विंगें पूरे वर्ल्ड में बैठी और मोदी जैसे प्रधानमंत्री भारत में बैठे, तो उन्होंने पूरे विश्व को ये कन्विंस किया कि भारत की भूमि आपकी नहीं हो सकती, लेकिन भारत कि आज की आवश्यकता चीन को काउंटर करना है, भारत की आज की आवश्यकता मुस्लिम जगत को काउंटर करना है, इसलिए अगर आप हमारा सहयोग करें तो हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं, और जो आप करना चाहते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिश्चियन जगत की है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट प्रॉब्लम। तो रशिया को उन्होंने कम्युनिस्ट थ्योरी रशिया की ब्रेक की, मुस्लिम जगत को तोड़ दिया था 1947 में ही, 1948 में ही, और उसके 50 कंट्री उस समय उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जो जो कंट्री जरा सा उठता गया, चाहे वो इराक उठा हो, चाहे ईरान उठा हो, चाहे सूडान उठा हो, चाहे वो टर्की उभर कर निकला हो, या फिर अफगानिस्तान में कोई आवाज़ उठी हो, उन सब जगहों पर उन्होंने प्राइमरी टारगेट रखते हुए उन सबको नाबूद किया। उसके लिए उनको नाटो सेनाएं बनानी पड़ी और नाटो सेनाओं को सेकुलर दिखाने के लिए टर्की जैसे देशों को साथ लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त चीन उनके दूसरे टारगेट पर था। अब जो इस समय उनका टारगेट है, इस्लामिक जगत उनके पूरे कब्जे में आ चुका है और बहुत जगह उनके बेस बन चुके हैं। इराक में परमानेंट उनका बेस बना हुआ है, अफगानिस्तान में बेस बना हुआ है, अफगानिस्तान से वो जा ही रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे सऊदीया, यूएई जैसे कंट्रियों में उनके बेस बने हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान की आवश्यकता अब किस लिए रह जाती है? पाकिस्तान की आवश्यकता रह जाती है चीन को काउंटर करने के लिए। और चीन और भारत चूंकि आमने सामने खड़े हैं, और भारत एश्योर्ड कर रहा है कि हम चीन को काउंटर कर लेंगे, अगर कर लेंगे आप हमारी मदद करना चाहें, केवल मोरल सपोर्ट आपका हमें चाहिए। जिस समय मोदी सरकार ये समझाने में पूरे विश्व को सफल हो गई, उस समय पाकिस्तान की रेलिवेंसी अपने आप खत्म हो चुकी थी। ना ही अब इस्लामिक जगत में युद्ध करने के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता थी, और ना ही अब चीन से लड़ने के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता है, और ना ही अब अफगानिस्तान में किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए। अब ये जो सारे सहयोग हैं वो भारत, चूँकि भारत की आवश्यकता भी है इस समय, इसलिए भारत उसमें मुखर होकर सामने आया है। तो भारत जब इस प्रकार की एक्टिविटी चल रहा है, तो पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध, भारत का प्रोग्रेसिव नेचर और भारत का एक स्वभाव कि हमने किसी भी कंट्री के ऊपर कभी अपनी तरफ से हमला नहीं किया, किसी कंट्री को हम सबॉर्डिनेशन में देखना नहीं चाहते, केवल उन कंट्रियों के ऊपर हम नज़र रखते हैं जो अपने आप को सिर्फ सुपीरियर समझते हैं, जो अपने आप को विश्व का अग्रणी देश मानते हैं। अब डिप्लोमेसी जहां पाकिस्तान को लग रहा था कि वो आम भेजकर डिप्लोमेसी पूरे संसार के साथ कर रहा है, वो भी आम कौन से, जो उनके हिंदू पूर्वजों ने लगाए थे, उन पूर्वजों के आमों को भेजकर उसको लगता था कि हमारी मैंगो डिप्लोमेसी चल रही है। अब जब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ही खत्म हो गई,
तो अब मैंगो डिप्लोमेसी कैसे चलने वाली थी, जो कंट्री इनका सपोर्ट भी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान उनकी आवश्यकता थी। आज की तारीख में पाकिस्तान किसी कंट्री की आवश्यकता नहीं है। नतीजा निकला कि 32 देशों को पाकिस्तान ने मैंगो भेजा। अब मैंगो भेजा था, कंट्रियों के पास पहुंच गया था, उनके राष्ट्राध्यक्षों को भेजा था, भेजा होगा 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 किलो, 50 किलो। आप सोच सकते हैं कि मैंगो का अगर कंसाइनमेंट भेजा गया होगा, मैं कहता हूं कि 2, 4, 5, 10 क्विंटल भी एक जहाज़ भरकर भी भेजा होगा। इतना तो वैसे पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो इतना सारा भेज सके, क्योंकि खुद ही वो भोजन के लिए मर रहा है। यूएई या सऊदी अरेबिया उसको उसके रोज़ा इफ्तार करने के लिए भी चंदा देता है या उसको भीख देता है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान कितना भेजा होगा, पाकिस्तान ने कितना भेजा होगा, ये तो जानने की बात है। लेकिन इन सभी कंट्रियों ने, 32 कंट्रियों ने इनके मैंगोस को वापस कर दिया। अगर संबंध बहाल रखना चाहते थे तो रख लेते, गरीबों में बांट देते, फिकवा देते रखकर। जब हम जानते हैं कि भारत में, हम सब लोग जानते हैं कि हम भावना को प्रमुखता से देखते हैं, चीज़ को नहीं। अगर कोई प्रेम से हमको पुष्प भी देता है तो हम वो पुष्प भी ले लेते हैं। अगर समुद्र मंथन में जहर भी निकलता है तो संसार के भले के लिए और विश्व के कल्याण के लिए शिव जी उस विष को भी पी जाते हैं। ऐसे भारत के लोग, भारत की मानसिकता और भारत के विचार, जब अगर ये, और ये इंटरनेशनली प्रूव्ड है, अगर आपसे संबंध बनाने होते, आपके साथ संबंध अच्छे रखने होते, तो आपने सड़े फल भी अगर भेज दिए थे, सबरी अपने झूठे बेर भी अगर खिलाती है तो भगवान खा ही लेते हैं। अगर वो बेर भेज दिए होते झूठे करके भी, तो भी संसार, चूंकि आपकी आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुसार आपके साथ मित्रता करता और कम से कम इंसल्ट तो नहीं करता। लेकिन इन 32 देशों ने इनके मैंगोस को कंसाइनमेंट वापस कर दिया। हालांकि कोई ना कोई तो बहाना रखना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है। इसलिए कहा यह गया कि चूंकि COVID-19 चल रहा है, इसलिए ऐसा होना ठीक नहीं। क्या इस समय फल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है? क्या सब्जियों का या मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं? सब हो रहा है, व्यापार चल रहा है। तो फलों का जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, तो शासना जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ले क्यों नहीं सकते थे? लेकिन लेने से वो फंसते हैं, और लेने से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। मालूम पड़ा 20 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल ले लिए, तो उसके एवज में पाकिस्तान क्या मांगने चला आएगा ये पता नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये डिप्लोमेसी चाइना के साथ भी चल रही थी। चाइना में जब माओ बैठे, माओ सत्ता में आए, तो माओ को 1960 में 62 के युद्ध से पहले चाइना को पाकिस्तान ने फल ही भेजे थे, ये मैंगोज भेजे थे। और इसी मैंगो का नतीजा था कि शकशगाम वैली, जो हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा था, उस हिस्से को उन्होंने चीन को दे दिया मैंगो के साथ। तो माओ को आम खिलाए गए थे। ये पॉलिसी वो तब से अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन इजिप्ट, श्रीलंका, नेपाल, कनाडा, चाइना, यूके, अमेरिका, इन सब ने एक सुर में इनके ये जो राशन भेजा था, इन्होंने जो 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 आम भेजे थे, वो आम एक सुर में लौटाते हुए नमस्ते कर लिया। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की ये हैसियत कितनी आ चुकी है कि उनके सड़े हुए फल भी कोई अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर वाकई में इनके साथ कोई संबंध बनाना चाहता, रशिया सहित, रशिया हो, और यहाँ तक कि टर्की ने भी वापस कर दिए, अगर वाकई में कोई US, कनाडा, चाइना, टर्की, रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कोई भी इनके साथ संबंध बनाना चाहता था, तो फिर ले लेता, न खाता, गरीबों को दान कर देता, फिकवा देता। और इन कंट्रियों में तो दारू भी खूब बनती है, फलों की दारू भी बनाई जा सकती थी, दारू बनाकर पिलाई जा सकती थी। लेकिन और इन फलों को खेतों में गाड़ दबा दबाया जा सकता था, उससे कुछ फर्टिलिटी हो जाती। लेकिन ये सीधा संदेश दिया कि भैया तुम हमें क्षमा करो, तुम आज आम भेजोगे, कल क्या लेने चले आओगे ये कुछ पता नहीं है। ये जो मैंगो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की है, ये इतनी खतरनाक फेल हुई कि अब पाकिस्तान का क्या होगा भविष्य में, ये तो पाकिस्तान भी नहीं जानता होगा। थैंक यू वेरी मच।